अक्सर सभी को पसंद होते हैं। रसगुल्ले का नाम लेते ही मुंह में मिठास से घुल जाती है। हम लोग विशेष पर्वों पर मिठाई में रसगुल्ले जरूर बनाते खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओडिशा में रसगुल्ला दिवसा यानी रसगुल्ला दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अंतिम दिन बड़ी धूमधाम से पुरी के निवासी रसगुल्ला दिवसा मनाते हैं। इस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा पूरी होकर वापस श्री मंदिर की तरफ जाती है। इसे नीलांद्री बिजी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे हुई रसगुल्ला दिवस की शुरुआत और क्यों ओडिशा के लोग इसे पर्व की तरह मनाते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा प्रचलित है। कथा अनुसार एक बार भगवान जगन्नाथ बिना माँ लक्ष्मी को बताए 9 दिन की रथ यात्रा पर निकल गए थे, जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ से नाराज हो गई थी और भगवान से नाराज होकर मंदिर के कपाट बंद कर लिए थे। तब महालक्ष्मी माँ को मनाने के लिए भगवान जगन्नाथ रसगुल्ला लेकर उन्हें मनाने आए थे, जिसके बाद माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई थी। इसी कारण जुलाई 30, 2015 को पहली बार पुरी में जगन्नाथ यात्रा के समापन पर रसगुल्ला दिवस मनाया गया। पुरी को रसगुल्ला का जन्म स्थान मानते हुए इसकी शुरुआत की गई थी। इस दिन पुरी में लोग नाते रिश्तेदारों के यहाँ रसगुल्ला लेकर मिलने जाते हैं। वहीं भगवान को भी इस दिन खास तौर से रसगुल्ले का प्रसाद चढ़ाया जाता है। 15वीं शताब्दी में लिखित दांडी रामायण में रसगुल्ले का उल्लेख मिलता है। ओडिशा के कवि बलराम दास जी ने अपनी काव्य दांडी रामायण के अयोध्या कांड में भगवान के भोग में रसगुल्ले का वर्णन किया है। दर्शकों, हमारी सनातन संस्कृति के अद्भुत रहस्य और चमत्कार अक्सर हमें अचंभे में डाल देते हैं, लेकिन सत्य को कोई नहीं बदल सकता। भगवान जगन्नाथ की महिमा तो वो ही जाने। राधे कृष्णा।